हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल वी टू रिएक्शन पर। तो फाइनली दोस्तों, इंतजार खत्म हो चुका है। आज हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि इनका इंतजार हमें रहता ही नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार एक बॉलीवुड के ऐसे एक्टर हैं जो हर हफ्ते नहीं बल्कि हर 3 महीने में इनकी मूवी का ट्रेलर, टीजर, पोस्टर कुछ ना कुछ आता रहता है। इसी तरीके से इनका एक और क्या आया भैया, और रिएक्शन देते देते इस भाई ने चश्मा लगा लिया। और जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि अक्षय कुमार की मूवी फन भी होता है और एक्शन भी होता है और रोमांस भी होता है। तो इस मूवी में देखते हैं कि ये मूवी कैसी होने वाली है। जैसे कि मैंने इनकी पहली फिल्म आई थी रक्षाबंधन, जो कि बहुत बढ़िया फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रक्षाबंधन फ्लॉप हो चुकी है, अक्षय कुमार की पिछली 4 फिल्में फ्लॉप है। अब बारी आती है राम सेतु की। तो मैं तो सोच रहा था कि अक्षय कुमार की मूवी पर जैसे हम रिएक्शन दे रहे हैं तो थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बता दूं, लेकिन इस वसूली वाले ने सारा हम आपको सच का सामना करवाएंगे। हम सच का सामना नहीं, क्योंकि ये दुनिया झूठ से चलती है, सच से नहीं। चलो पक्षों की, लेकिन अक्षय कुमार साल में 4 दफा चलते हैं और दौड़ते हैं, ओटीटी हो या थिएटर्स हो, हर जगह अक्षय कुमार छाए रहते हैं। हर 3 महीने में एक फिल्म और हर 2 महीने बाद ओटीटी पर एक फिल्म। दोस्तों मैं अक्षय कुमार की एक बात बता दूं, मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था, इन्होंने कहा था कि मुझे पैसे से मतलब है, मेरी मूवी हिट और फ्लॉप हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों इस साल अक्षय कुमार की तीसरी मूवी है, जिससे पिछली 2 मूवी पृथ्वीराज रासो और रक्षाबंधन बहुत बड़ी डिजास्टर, और अभी हाल ही में कठपुतली आई थी, कुछ उम्मीद है। और हाल ही में भी पिछले महीने कठपुतली आई थी भाई होटल स्टार पर, और ये भी अमेज़न प्राइम वीडियो है। फिलहाल जो है अक्षय कुमार सर का जो मतलब ग्रह है वो बहुत खराब चल रहे हैं, क्योंकि इनकी इससे इनसे अब से जो ये 4-5 फिल्म आई हैं, ये फिल्में आने से पहले इनकी सारी फिल्में हिट हो रही थी, 100 करोड़ सब पार कर रही थी, लेकिन इनकी अब 4-5 फिल्में जो है बहुत खराब जा चुकी हैं। अब इस फिल्म का हमने बहुत नाम सुना है और देखते हैं इसकी जो है क्लिप्स आई है। आपको इसके स्टार कास्ट बनाया था अक्षय कुमार और जैकलिन फर्नांडिस और मिस्टर भागी। इस क्लिप पर हम करते हैं, इस क्लिप पर हम रिएक्शन देते हैं और देखते हैं कैसे रिएक्शन आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बिल्कुल भी इसके के बिना वीडियो को पूरा देखें। तो राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 है। और मैंने इस मूवी के बारे में इतना कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने अभी पता चला मुझे आया। और मैंने मतलब जैसे इसका क्लिप देखी है, बहुत तगड़ी क्लिप है, मार धाड़। में तो सोच रहा था कि वैसी मूवी है कोई, मतलब सीतारा मूवी कोई, बिल्कुल भाई इसमें, लेकिन भाई ये मूवी साधारण नहीं होने वाली है, बल्कि बहुत ही खतरनाक मूवी होने वाली है। और आपने देखा होगा मिसाइल वगैरह होगा, एक्शन भी जबरदस्त है, क्योंकि ये एक हिंदू मैथोलॉजी मूवी है। ऐसा नहीं देखने को मिला था कि बड़ा एक्शन हो गया, हिंदू मैथोलॉजी जान गए ऐसा लग रहा था, सिंपल सी मूवी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी के अंदर एक्शन है, सस्पेंस है और थ्रिलर, जबरदस्त मूवी होने वाली है। मूवी का टाइटल सिर्फ राम सेतु है, लेकिन राम सेतु जैसे राम वाली हाँ, ऐसी मतलब भावनाएं नहीं दिखाई है, ऐसी भी होगी क्योंकि हिंदू मैथोलॉजी मूवी है। तो ये भगवान राम के ऊपर है, जो समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया था उन्होंने, कुछ इस तरह का, जितना मुझे पता है उतना बता रहा हो सकता है। इसलिए इसका नाम राम सेतु दिया गया। तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि राम सेतु इसका नाम क्यों है, मतलब क्या होने वाला है। आप थोड़ा और मूवी खत्म कर रहा, मूवी तो भाई ये बढ़िया लग रहा है कि हिट होने वाली है। हाँ, ये तो ब्लॉकबस्टर होने वाली होगी, क्योंकि 2 फिल्में डिजास्टर हो चुकी है। बाकी तो बताइए भाई, इस वीडियो में आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वीडियो खत्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ब्यूटी रिएक्शन के नाम से चैनल है हमारा। ठीक है, अभी जय हिंद जय भारत।